ओढ़नी उतार के है छत पर से कनखी चलाबै छिगे। कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, मैंने कर्जा लेके गाना गाया मेरा एल्बम हिट हो गया। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत प्रचार लोग करते हैं। सिंगर बनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, हीरो बनने के लिए यहाँ कम टाइम है, क्योंकि झुर्रियां आ जाएंगी, आंख से कम दिखाई देगा। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। तो हम उस कर्जे को फिर कमा कमा के कर्जे को खत्म किया। हम उतने बड़े फैमिली से नहीं है। सिंगर बनना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हिंदी में जाना है, इंडियन आइडल है, सारेगामापा है, द वॉइस है, भोजपुरी सुर संग्राम है, सुर विजेता है। अगर सिंगर ही बनना है ना, जिसको हीरो बनना होता है उसको एल्बम करना है, क्योंकि उसको शॉर्टकट चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुशदुबे और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी और मैथिली के उभरते हुए गायक आर्या अवधेश राय जी। तो आइए जिनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, और जितना भी मुझे चर्चा के माध्यम से देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्ते। और आर्या जी, आप रहने वाले कहाँ से हैं? सर मैं रहने वाले बिहार का हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में सहरसा जिला डिस्ट्रिक्ट से। तो कितने दिनों से आप ये गायकी के क्षेत्र में हैं? सर मैं अभी करीब 2013 में ही जो है मैं जुड़ गया था इसमें, गायकी करने के लिए आ गया था। कुछ पैसों की प्रॉब्लम से मुझे, मैं 2013 के बाद एक एल्बम किया था जिसमें 80,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ था। एक एल्बम में 80,000? जी सर। कितने गाने थे एक एल्बम में? 8 गाने थे सर। तो 8 गाने में आपने 2013 में जी सर 80,000 खर्चा किया। 80,000 कहाँ से गाना आपका आया है? सर वो बिहार पटना जिला से। किस कंपनी से? सावन म्यूजिक के नाम से था, सुनील सावन उनका डायरेक्टर था सावन म्यूजिक से। तो इसका मतलब 10,000 का एक गाना हो गया। जी सर। अगर 8 ऑडियो वीडियो था सर। तो ऑडियो वीडियो 80,000 रुपए। जी सर। तो आप करते क्या है? सर मैं अभी तो यहाँ पे कुकिंग का काम करता हूँ, खाना बनाता। 2013 में क्या करते थे आप? 2013 में मैं सर यहीं पे काम करता था, उस समय मेरा 6-7 हजार रुपए के आसपास सैलरी था। तो इतने पैसे कहाँ से आए? सर वही कुछ कमाए, कुछ कर्जे भी लेना पड़ा था, घर पे कर्जे उर्जे ले करके किया था। आपने कर्जा लिया? जी सर। कितने आपने कर्जे लिए थे? करीबन 30-35 हजार रुपए कर्जा लिया था, और बाकी यार दो तीन दोस्त से वो सब सपोर्ट किया था। और तो आपने जो 8 गाने कर्जा लगा के कुछ कमा के आपने किया, उन गानों का रिस्पांस क्या रहा? रिस्पांस तो सर उसमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला सर उसमें। वो अच्छा काम नहीं किया, अच्छा मॉडल नहीं थी साथ में, अच्छा वीडियो शूट नहीं हुआ, मतलब जैसे तैसे उनको मतलब काम खत्म कर दिया बस। हुआ उनका, उनके लिए एक काम था कि बस काम खत्म कर दिया बस, उसके बाद हमें वो गाना ऑडियो और वीडियो दे दिया। उस समय में मास्टर कैसेट मिलता था, तो मास्टर कैसेट ही दिया था, सीडी हाँ, डीवीडी का प्लेयर वो वाला दिया था, और उसी से हम लोग उनको देखे बहुत। एक उसमें एक गाना मेरा अच्छा मार्केट पकड़ा था, और वो गाना मैथिली का था सर। आपको याद है वो गाना? हाँ याद है वो गाना। दो लाइन अगर याद हो तो हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं। जी। और हनी उतार के है छत पर से कनखी चलाबै छिगे, हगे पिरतिया पोखर पर किया नयाबै छिगे, हगे पिरतिया पोखर पर किया नयाबै छिगे। ये 2013 में हुआ था। जी सर। 2013 के बाद फिर आप कब निकाले, कब एल्बम किया? फिर सर हम लोग के ऊपर, मेरे ऊपर तो कर्जा हो गया था बीच में, तो हम उस कर्जे को फिर कमा कमा के कर्जे को खत्म किया। हम उतने बड़े फैमिली से नहीं है कि हमें पैसे मिल जाता फ्री में, तो हम लोग को तो बस घर को भी देखना पड़ता है, और उसके साथ साथ उस इसमें भी काम करें। तो अभी हम 4 साल बाद फिर इसमें हम गायकी लाइन में आया हूँ। 13, 14, 15, 16, 17 जी, अभी 19 चल रहा है, यानी 5 साल हो गया सर। 5 साल। जी सर। जी 5 साल के बाद फिर इसमें आया हूँ, तो मैं पहले से अच्छा, मुझे अनुभव भी थोड़ा बहुत मिला है गाने का। इतना नहीं कि मैं बड़ा गायक बन गया हूँ, पर मैं पहले से अच्छा, मैं मुझे और मेरे सब जो इतना भी सपोर्ट करते हैं मेरे, आपको फील होता है, और आपके जो सुनने वाले हैं, जो आपके आसपास में दोस्त बोलते हैं कि पहले से आप अच्छा गाने लगे। जी सर। जी। तो उसी वजह से हमने सोचा कि ठीक है फिर इसमें करते हैं, और कोई कर्जा लेके नहीं करेंगे, हमें एक ही गाना करना चाहे दो गाना, जितना हमें बन रहा है। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, मैं अपने दोस्तों, दर्शकों, अपने प्यारे भाई जो छोटे बड़े, उनको भी बोलना चाहता हूं, आप कर्जा लेके गाना कभी मत गाओ, आप कर्जा लेके गाना मत गाओ। कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, मैंने कर्जा लेके गाना गाया मेरा एल्बम हिट हो गया। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत प्रचार लोग करते हैं।
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्टेज में भी आजकल लोग बोलते हैं कि मैंने कर्जा लेके किया, मेरा हिट हो गया, मुझे पता नहीं था। नहीं, मत बहको आप लोग। अपनी कमाई से अगर आपको गाना गाना है, सिंगर बनना है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। हिंदी में जाना है, इंडियन आइडल है, सारेगामा पो है, द वॉइस है, भोजपुरी सुर संग्राम है, सुर विजेता है, अगर सिंगर ही बनना है ना, जिसको हीरो बनना होता है उसको एल्बम करना है क्योंकि उसको शॉर्टकट चाहिए। सिंगर बनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, हीरो बनने के लिए हाँ कम टाइम होगी, झुर्रियां आ जाएंगी, आंख से कम दिखाई देगा। तो आप लोग कर्जा लेके कभी काम मत करिए, जैसा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो इस बार आपने काम किया तो कर्जा नहीं लिया? जी नहीं सर, इस बार आपने कमा के किया। इस बार कमा के किया और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एक मेरा चाचा और फ्रेंड भी है हरि नारायण, जो अभी मैं मुझे बचपन से सपोर्ट, जब से मैं दिल्ली में आया हूँ तब से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं हर चीज में, काम के लिए। अभी इस लाइन में भी हरि नारायण जो है मेरे चाचा जी हैं, गांव के हैं जी, और वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और एक रिलेशन है मेरा, बहन है, जीजा जी है, अच्छा, वो सपोर्ट करते हैं। एक मेरा साला है, वो भी सपोर्ट करते हैं मुझे। तो सब मिलके सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो है ना हरि नरेंद्र सर, जो मैं उनको सर बोलता हूँ क्योंकि मैं उनके नीचे काम किया हूँ, उनके साथ में काम किया, मैं उनको सर बोलता हूँ। वैसे चाचा कम और फ्रेंड मेरा ज्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतने लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी भी ये इंसानियत, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको जो सपोर्ट कर रहा है उसका आप यहाँ पे नाम ले रहे हैं। कुछ लोग तो बताते ही हैं कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आपने एल्बम किया जी, तो अभी कौन से गाने आपके आ रहे हैं? मेरा एक छठ वाला किया था, उसके बाद तो मैं छठ का गाना, एक एल्बम छठ का किया था, उसके बाद में अभी दोबारा रेकॉर्डिंग, वैसा मेरा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं अच्छा गाऊं, जिस तरह गाऊं उस तरह मुझे म्यूजिक मिले, उस तरह मुझे कोई कंपोज करे, मतलब सपोर्ट करे, ऐसा कोई मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा है सर। तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं, थोड़ा सा हमें आप सपोर्ट करें, हमारे गायकी में अगर कुछ भी दम ऐसा लग रहा है कि अच्छा गाता है तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं तो ये सिर्फ आपको ही नहीं, मैं आपको चाहता हूँ सबको सपोर्ट करना, मेरे को जो आता है, मुझे जो आता है, जो मुझे भगवान ने दे रखा है, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ लोग पिच, बैठता हूँ स्टूडियो में, डायरेक्टर से मिलता हूँ, डायरेक्टरों का इंटरव्यू लेता हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। आपको ही नहीं, मैं सबको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके साथ साथ, मेरे सपोर्ट के साथ साथ आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो भी छटका सॉन्ग आया, खाली छटका तो निकल गया है, आप फैन किसके हैं, फेवरेट फैन किसके हैं आप? फेवरेट फैन तो सर मैं वैसे किसी का नहीं हूँ। किसके गाने ज्यादा सुनते हैं? गाने में हिंदी ज्यादातर सुनता हूँ, जब से मैं वो गाना छोड़ दिया। हिंदी में आपका फेवरेट कौन है? हिंदी में सर मेरा अरिजीत सिंह का फेवरेट। अरिजीत सिंह जी सर, अरिजीत सिंह का कोई भी गाना आपको अगर आता हो तो? जी आता है, एक आध लाइन सुनाइए दर्शकों को। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमी को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने गाया। आपने कहीं संगीत सीखा है? सर सीखा तो नहीं, मैं बचपन से कृष्ण लीला में गांव में रहा हूँ, तो थोड़ा सा गाने का मुझे थोड़ा बहुत पता है मुझे, और उसमें मुझे उसी में थोड़ा सा गाने का अभ्यास बना, क्योंकि मैं बड़े कृष्ण लीला में जाता था तो बहुत सारा दर्शक के बीच में कुछ ना कुछ गाना पड़ता था और कुछ बोलता था, तो उससे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला है बस। अच्छा, आपको स्टेज बचपन से ही आपको मिल गया? जी सर। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, और आप अगर और मेहनत करेंगे ना तो आप इससे 10 गुना 20 गुना 100 गुना बेहतर गा सकते हैं। बहुत अच्छा, आपने अगर बिना सीखे आप गा रहे हो ऐसी बात, तो आप सीखने के बाद तो और बहुत अच्छा गा सकते हैं। मैं अच्छा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि आपने 2013 में एल्बम किया, 80,000 रुपए आपने कर्जे लिए, फिर कर्जा निपटाने में आपके 5 साल चले गए, अभी आपने कमा के एल्बम किया, आपको लेकिन मजा नहीं आया,
आपको म्यूजिक सही नहीं मिला, आपको मजा नहीं आया, अब जो आप करने जा रहे हैं जी वो कैसे करेंगे, कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से आपका गाना आने वाला है, गाना में कोई लिखा है, अभी कोई नई प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? नहीं, गाना तो मैं लिखा हूँ सर, दो गाने मेरा लिखा हुआ है जो अभी। आप लिखते भी हैं खुद? जी सर। अपने गाने खुद से? जी सर, मैं अपने गाने मैं खुद ही लिखता हूँ और फिर उसको मैं अपने से मैं ही गाता हूँ और लिखता भी मैं हूँ। तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपने गाने लिखते भी हैं, राइटर भी हैं और सिंगर भी हैं, अच्छी बात है क्योंकि आपके पैसे भी बच जाएंगे अगर आप गाने लिखते हैं तो, क्योंकि मार्केट में कोई 2,000 कोई 3,000 कोई 5,000 गाने का ले लेता है। अच्छी बात है आप लिखते हैं। आप जाते जाते कोई गाना, किसी का भी गाना हो जो आपके दिल के करीब हो, या पवन जी का या खेसारी जी का या हिंदी का कोई गाना हो जो दर्शकों को सुनाना चाहे? जी सर, तो मैं पवन सिंह का एक गाना सर मैं गा देता हूँ। जी जी सुना दीजिए आप। जन मारे लाल काला हंगवाए गोरी जुबना हिलावा ताईमान चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरा चोलिए में अटकल परान चोलिए में अटकल परान ए रानी तोहरा चोलिए में अटकल परान। बहुत बढ़िया, आप चर्चा में आए, आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और मेरे दोस्त मेरे भाई, आप मेहनत करते रहो, जरूर आगे बढ़ोगे, बस रियाज के साथ मेहनत करते रहो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा करोगे। जाते जाते दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए। आप मेरे चर्चा के माध्यम से मुझे जितने भी दर्शक भाई लोग सब मुझे देख रहे हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं। और मैं आप लोग से यही आग्रह करता हूं कि मेरा जो भी गाना आने वाले हैं सब आप लोग देखिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आगे दोस्तों यार को शेयर कीजिए, और बस यही कहना चाहता हूं मैं। चलिए भैया, आप चर्चा में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे साथ भोजपुरी मैथिली गायक आर्या अवधेश राय जी। दोस्तों इनके गाने को जरूर आप प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और ऐसे ही बने रहिए चर्चा के साथ। फिर मिलेंगे किसी के साथ चर्चा करते हुए, तब तक के लिए आपके दोस्त आपके भाई कुश दुबे का आप सबको नमस्कार।